नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान की थड़ी में। जी हां, आज के इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट अपडेट आई है आरएसएम एसएसबी की, उसके बारे में आपको पूरा वीडियो प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सूचना सहायक और कंप्यूटर के एग्ज़ाम डेट्स भी चेंज हो गई हैं और सूचना सहायक में काफ़ी चेंजेस भी और भी बदलाव किए गए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके और जो चेंजेस हुए हैं उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही धमाकेदार न्यूज़। जी हाँ, आरएसएम एसएसबी ने बहुत ही बड़ा गोलमाल किया है। गोलमाल का मतलब इन्होंने बहुत डेट्स, जो डेट्स थी अलग अलग एग्ज़ाम की, उनको आपस में स्वाइप कर दिया है। मतलब डेट्स को, डेट्स जो थी उनको इन्होंने चेंज कर दिया है। बहुत से अमेंडमेंट जो है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के पेपर में ये लोग लेकर आए हैं, जिसका हो सकता है कि नुकसान जो है वो कंप्यूटर जो संगणक वाले हैं उनको हुआ है। तो देखिए इन्होंने क्या चेंजेस ये हैं। देखिए जब हम नोटिफिकेशन के टैब में हम लोग जाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री सिलेबस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये देखिए रिवाइज्ड एग्जाम डेट फॉर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एंड कंप्यूटर एग्जाम। साथ ही साथ में अमेंडमेंट भी इन्होंने कुछ किया है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के एग्जाम में। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें क्या क्या अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं, तो जब हम इसको देखेंगे तो देखिए इन्होंने ये अमेंडमेंट इसके अंदर किया है कि जो लोग अभी ग्रेजुएशन में अपीयरिंग हैं या जिन्होंने एडमिशन लिया है, मतलब जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। उस फॉर्म को अब आप 27 तारीख तक भर सकते हैं। 13 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको आप 27 तारीख तक भर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंजेज है, जो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो जिन लोगों ने अभी फाइनल ईयर में आए हैं या अभी उनका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, डिग्री उनके पास आने वाली है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है आईए ने, आरएसएम एसएसबी ने दी है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो अभी आई है वो देखिए, एग्जाम डेट में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम बात करें चेंजेस वाले टैब की, देखिए अमेंडमेंट किस में आई है कि डेट्स में, ये बहुत बड़ा चेंज अभी हुआ है। देखिए अगर हम डेट की बात करें तो डेट को आपस में चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, संगणक कंप्यूटर का एग्जाम जो कि पहले 12 तारीख को होने वाला था, वो अब 5 तारीख को होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं संगणक की, उसको और तेजी से कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट पहले हो गई है। उसी तरह इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम जो पहले 5 तारीख को होने वाला था, वो अब 12 तारीख को होगा। तो जी हाँ, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। परंतु साथ ही साथ जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा है कि उनका एग्जाम कुछ दिन पहले हो गया है। परंतु इसमें एक फायदा उन लोगों का भी होगा जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो कंपटीशन कुछ थोड़ा सा जो है वो कम भी हो सकता है। तो दोस्तों अब तैयारी जो है अपनी इस हिसाब से कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं है। तो प्लीज अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आप सबसे पहले और सबसे जल्दी पा सकें।